नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर जन्म 1918, गुना, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम बताइए। नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, और अगली रचना है भीतरी नदी की यात्रा। तो गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उमर कैद नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गिरिजा कुमार माथुर का ये नाटक है उमर कैद। और दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर पुरुष हैं, महिला नहीं है, पुरुष कवि हैं, ये कवयित्री नहीं है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, आलोचनात्मक रचना है, और रचनाकार का नाम अपने को बताना है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये आलोचनात्मक रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगला है, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर है वो रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के कवि का नाम बताइए। छाया मत छूना कविता के कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? छाया मत छूना कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो देखिए, उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। यानी जो बीत गया उस सुख को याद करके वर्तमान के दुख है उसको गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। इससे दुख दूना होता है, यानी दुख है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल कर वर्तमान का सामना करने का संदेश देती है कि विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्कसंगत नहीं है, इससे दुख दूना होता है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल कर वर्तमान का सामना करने का संदेश देती है। प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ क्या है? बड़प्पन का एहसास। प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ है बड़प्पन का एहसास। नेक्स्ट है, यामिनी शब्द का अर्थ क्या है? यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप जानते हो पर्यायवाची एक ही शब्द के अनेक अर्थ में होते हैं, लेकिन वो अपने आप में विशेष अर्थ रखते हैं। तो यामिनी रात का पर्यायवाची है, लेकिन रात भी कैसी है, तारों भरी चांदनी रात को यामिनी कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। चलिए, सरमाया शब्द का अर्थ क्या है? पूंजी। और ये सेकंड ग्रेड में एक बार पूछ भी लिया था, सरमाया शब्द का अर्थ है पूंजी। छाया शब्द का अर्थ क्या है? भ्रम या दुविधा है। वैसे तो धूप छांव वाले छाया अलग होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ हम काव्य की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो छाया शब्द का अर्थ है भ्रम या दुविधा। छवियों की चित्रगंध का क्या अर्थ है? चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, कि चित्र की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की जो गंध है उसका अनुभव करना छवियों की चित्रगंध कहलाता है। चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। अगला प्रश्न देखिए, वी शैल आवर कैम का हिंदी अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किस शीर्षक से किया था? वी शैल आवर कैम का हिंदी अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किस शीर्षक से किया था? हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब शीर्षक से किया था। अगला है, सुरंग का अर्थ क्या है?
सुरंग का अर्थ क्या है? रंग बिरंगी, रंग बिरंगी है इस कविता में, सुरंग का अर्थ रंग बिरंगी है। कुंतल का अर्थ क्या है? कुंतल का अर्थ वैसे दोस्तों बाल होता है, लेकिन अभी जैसे बात चल रही थी पर्यायवाची शब्दों की और उनका सबका अलग अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है, तो लंबे बालों को क्या कहा जाता है? कुंतल कहा जाता है, लंबे केस, लंबे केस कुंतल कहलाते हैं। ऋतुराज का जन्म कब हुआ? तो ऋतुराज का जन्म कब हुआ? सन 1940 में भरतपुर में ऋतुराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक मरण धर्मा और अन्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। एक मरण धर्मा और अन्य काव्य संग्रह के कवि ऋतुराज हैं। ऋतुराज का काव्य संग्रह है एक मरण धर्मा और अन्य। पुल पर पानी कविता संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये ऋतुराज का कविता संग्रह पुल पर पानी। सूरत नीरत काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। दोस्तों ये ऋतुराज का काव्य संग्रह है सूरत नीरत। लीला मुखारविंद काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। लीला मुखारविंद काव्य संग्रह के कवि ऋतुराज हैं दोस्तों। ऋतुराज की रचना है लीला मुखारविंद। ऋतुराज ने अपने में किसको लेखन अपने लेखन में किसको विषय बनाया? तो अपने लेखन में किसको विषय बनाया? मुख्य धारा से अलग समाज के हास्य के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय किसको बनाया? मुख्य धारा से अलग समाज के हास्य के लोगों की चिंताओं को मुख्य विषय बनाया। कन्यादान कविता के कवि का नाम बताइए। ऋतुराज की कविता है दोस्तों कन्यादान, और बहुत ही मोस्ट कविता है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को किस प्रकार की शिक्षा दे रही है? तो कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही है? कुछ अलग तरीके से परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कुछ अलग तरीके से यानी परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। माँ के अनुसार कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कि माँ परंपरागत आदर्श की शिक्षा नहीं दे रही है, बल्कि वो उससे हटकर शिक्षा दे रही है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास है वो छिपा रहता है, ये शिक्षा दे रही है माँ। माँ की अंतिम पूजी किसको कहा गया है? माँ की अंतिम पूजी किसको कहा गया है? उसकी लड़की को, यानी लड़की को अंतिम पूंजी कहा गया है। और ये कथन देखिए बहुत ही शानदार कथन है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हर नहीं है पर है, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। या माँ क्या शिक्षा दे रही है? इसमें परंपरागत आदर्श के प्रतिकार की शिक्षा दे रही है कि परंपरागत जो आदर्श है, लड़की हो तो लड़कियों की तरह रहो, ये बात जो है उस आदर्श के प्रतिकार के रूप में शिक्षा दे रही है। कि माने का लड़की होना पर है, ये पर है, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी बहुतायत माएं यही शिक्षा देते हैं कि लड़की हो तो लड़कियों की तरह रहो, लेकिन यहां पर ऋतुराज कह रहे हैं कि माने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहां माँ क्या शिक्षा दे रही है? इसमें परंपरागत आदर्श के प्रतिकार की शिक्षा दे रही है। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में। 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था मंगलेश डबराल का जन्म। और काफी बड़ा प्रश्न है दोस्तों, मंगलेश डबराल ने किन किन पत्र पत्रिकाओं में काम किया, थोड़ा विस्तार से देख लेना। और दोस्तों कई बार क्या है, टाइप करते करते थोड़ी बहुत छोटी बड़ी त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो उनकी तो माफ़ी ही देना, क्योंकि काम काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है, आँखें भी कभी कभी क्या हो जाती हैं, दर्द करने लग जाती हैं।
तो मंगलेश डबराल ने किन किन पत्र पत्रिकाओं में काम किया? हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष। देखिए काफ़ी लंबा है ये प्रश्न और याद रखने वाला भी है आपको। मंगलेश डबराल काफ़ी प्रसिद्ध कवि भी हैं। हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष, आसपास, तो तीन तो हो गए, हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष, आसपास। भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक, पूर्वाग्रह में सहायक संपादक, पूर्वाग्रह नहीं, पूर्वाग्रह में एक संपादक, तो हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह। और आगे देखिए, सहायक संपादक रहे हैं पूर्वाग्रह में, और तथा इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव, अमृत प्रभात में काम किया। एक और जुड़ गया, देखिए हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात में काम किया। 1983 से जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला, और जनसत्ता अखबार में भी साहित्य संपादक का पद बार संभाला। कुछ समय तक सहारा समय का संपादन करने का कार्य किया। अब देखिए ये और हो गया, सहारा समय का संपादन करने का कार्य करने के बाद नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक बार पुनः ये प्रश्न देखने योग्य है। हिंदी, पोर्ट्रेट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, जनसत्ता अखबार और सारा समय और नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो चार कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन एक नंबर, घर का रास्ता दो नंबर, यानी पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं तीन नंबर का काव्य संग्रह है, आवाज भी एक जगह है चार काव्य संग्रह। तो चारों काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। संगतकार कविता के कवि का नाम बताइए। मंगलेश डबराल की ये कविता है। और दोस्तों आपके सामने कविताएं भी प्रस्तुत होती रहेंगी, कविताओं में थ्योरिकल चलेगी और उसमें प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, तो जब कविता होगी तो हम एक एक शब्द को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, संगतकार किसे कहते हैं? गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले को, गायन में, वाद्य में, बजाने में, जो भी मुख्य जो गायक होता है, मुख्य बजाने वाला होता है, मुख्य वाद्य यंत्र वाला होता है, उसका साथ देने वाला है, उसको संगतकार कहते हैं। भाई हुंकारा मिलाने वाला, आप लोगों ने जागरण तो सुना ही होगा, भजन संध्या जिसको बोलते हैं वो तो सुनी होगी, और उसमें एक जो भजन गायक है वो पहले बोलता है और उसके बाद में दूसरा है वो संगत मिलाता है, उसको कहते हैं संगतकार। और अपने जीवन में भी संगतकार है, उसका रोल काफ़ी बड़ा होता है, वो दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन वो अपने जीवन का निर्माण करता है। यानी जैसे गायक का सह गायक होता है वो उसकी सुंदरता बढ़ाता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो लोग हमारे सामने नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, संगतकार कविता हमें क्या शिक्षा देती है? शिक्षा देती है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, उसका सामने न आना उसकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। कि जो लोग प्रसिद्धि के शिखर पर बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही हमारा जीवन बनाए। कुछ लोग गुमनामी में जीवन जी करके भी, संगतकार के रूप में जीवन जी करके भी हमारे जीवन को बना देते हैं, और उनका जो महत्व है वो सबसे बड़ा है। दोस्तों आज की दुनिया प्रसिद्धि के चक्कर में भाग रही है, हर व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, साम दाम दंड भेद नीति से प्रसिद्धि चाहता है, और प्रसिद्धि के नए नए तरीके वो आजमाता है, लेकिन गुमनाम रहकर जो काम करते हैं, गुमनाम रहकर के जो कार्य करते हैं, वो व्यक्ति संगतकार की तरह हैं, और वो दूसरों का जीवन बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं। आप लोग देखते हो, हमारे लिए हमारे परिवार के लोग, हमारे कुटुंब के लोग, हमारे समाज के लोग एक तरह से संगतकार हैं, जो हमें रह रहकर
शिक्षा देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं और उससे हमारा जीवन बनता है। दोस्तों मैं आपको एक वाक्य बताऊं, मेरे YouTube पर आने में आपकी संगत का सबसे बड़ा योगदान है। मैंने सहज में ही अपने नोट्स को सुरक्षित रखने के लिए वीडियो अपलोड किए थे। मुझे क्या मालूम था कि आप लोग देखते जाएंगे और इतने अधिक मात्रा में पसंद करेंगे कि मुझे ये एक आदत सी लग जाएगी। और आज ये स्थिति है कि वीडियो बनाए बगैर चैन भी नहीं मिलता है, तो ये आपकी संगत का असर है और आपने इस क्षेत्र में मुझे लाने का कार्य किया है। और आपके कमेंट, आपका लाइक, सब्सक्राइब, प्रेम मुझे बार बार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। गरज का अर्थ क्या है? ऊंची गंभीर आवाज़ को गरज कहते हैं और एक गरज मतलब का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम पाठों के आधार पर अर्थ ले रहे हैं, जैसे पाठों में है वैसे अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अंतरा का अर्थ क्या है? स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का जो चरण होता है उसको अंतरा कहते हैं। चलिए, तान का अर्थ क्या है? कि तान आ रही है, संगीत के स्वर का विस्तार होता है उसको क्या कहते हैं? तान कहते हैं। कि संगीत के स्वर का जब विस्तार होता है उसको क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तो भैया तान का अर्थ तो आपको यानी समझ में आ ही गया होगा, कहीं आप सुनते सुनते सोने जाएं। नौसिखिया का अर्थ क्या है? हम नौसिखिया के अर्थ में देखिए बहुत गलत अर्थ लेते हैं कि ये नौसिखिया है। नौसिखिया उसको मानते हैं जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ देखिए, जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया उसको क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। और हम अपने दिमाग में अर्थ दूसरा बिठाए बैठे हैं। याद रखिए दोस्तों, जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया उसको नौसिखिया कहते हैं और हम उल्टा अर्थ ग्रहण करके बैठे रहते हैं कि नौसिखिया तो यह होता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है? राख जैसा कुछ गिरता हुआ कविता की पंक्तियां हैं दोस्तों ये, और इसका अर्थ क्या है? बुझता हुआ स्वर। बुझता हुआ स्वर अर्थ है। अब जैसे ये प्रश्न पूछ लिया, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का सही अर्थ कौन सा है? तो सही अर्थ दोस्तों बुझता हुआ सा स्वर है। ढांढस बंधाना या बंधाया मुहावरे का अर्थ क्या है? तसल्ली देना या सांत्वना देना। ढांढस बंधाया यानी बंधाना का मुहावरे का अर्थ है तसल्ली देना या सांत्वना देना, धीरज देना। संगीत के कितने स्वर तय किए गए हैं? दोस्तों ये प्रश्न आप सोच कहोगे कि ये क्यों लाया गया है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, व्याख्याता परीक्षा में पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लगाया है। और याद रखिए ये प्रश्न याद भी करना आपको, क्योंकि संगीत अपने विषय नहीं है फिर भी किताब में है ये प्रश्न, किताब में ये आगे विशेष रूप में दिया गया है। तो संगीत के लिए कितने स्वर तय किए गए हैं? 7 स्वर हैं दोस्तों, और आपको 7 स्वर भी ध्यान में देख लेने चाहिए। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और द्वैत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत, इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सा, ये पहला षडज, ऋषभ, रे, गांधार, गे, मै, मध्यम, पंचम, प यानी प, द्वैत, धै और निषाद, नी। सारे गे मै प धै नी यानी सरगम कहा गया है, संगीत की सरगम कहा गया है। तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत, निषाद, ये 7 स्वर हैं। सारे गे मै प धै नी।
अगला है, संगीत में सप्तक का अर्थ क्या है? देखिए, सात शुद्ध स्वर माने गए हैं इसलिए सप्तक नाम पड़ा है। सात शुद्ध स्वर माने गए इसलिए सप्तक नाम पड़ा है, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में तीन तरह के सप्तक माने गए हैं। संगीत में ध्वनि की ऊंचाई निचाई के आधार पर कितने सप्तक माने गए हैं? तीन प्रकार के सप्तक माने गए हैं। साधारण ध्वनि है, कर्णी नहीं ध्वनि है, तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे। यानी साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहेंगे। तो तार सप्तक का अर्थ आ गया दोस्तों, ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, और तार सप्तक वो जो आगे जी वाला तार सप्तक है वो अलग है दोस्तों। चार सप्तक हैं वो, पहले का नाम तार सप्तक है, बाकी सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक चौथे सप्तक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे? तार सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ कहना क्या कमेंट करना है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं, कोई कमी नज़र आती है वो, हर बात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।